हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, राजनीति की ये जो मंच है, ये मंच कुछ ऐसा चीज है जिस जगह पे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की भंडा फोड़ते हुए देखा गया है। और इससे पहले बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिस घटने का पूरी विस्तार में खुलासा भी यही पॉलिटिकल मंच पे ही होते हुए दिखा गया है। आज मैं बात कर रहा हूं आदित्य ठाकरे को लेके, जो कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस के पीछे सबसे बड़ी हाथ है ऐसा माना जाता है। तो ये आदित्य ठाकरे को लेके आज एक ऐसी बड़ी बात हमारे सामने आ गया है, जो बात सुनने के बाद आपको लगेगा या फिर आप कहेंगे कि हाँ, पूरी बात जो है, बात पूरा एक्यूरेट 100% सच बात है। तो बात क्या है, यानी अभी 2024 की इलेक्शन की रैली वगैरह, पब्लिक मीटिंग वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल रैली यानी 2024 की जो इलेक्शन की जो रैली वगैरह है, यानी पब्लिक मीटिंग वगैरह है, इसमें एक बहुत बड़ी बात उठ कर रहा है कि महाराष्ट्र में जिसका सरकार है यानी शिंदे सरकार, तो शिंदे सरकार एक पब्लिक रैली में जाकर एक बहुत बड़ी बात कहा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेके। वो बात कुछ ऐसा है कि बाप एक नंबरी और बेटा 10 नंबरी। अब एक नंबरी 10 नंबरी क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि बाप से भी ज्यादा बड़ा गुनेगार है अपना बेटा। असं काम उद्धव ठाकरे ने केल्याची टीका एकनाथ शिंदे ने केली आहे। तसंच बाप एक नंबरी बेटा 10 नंबरी असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी, आणि म्हणून बांधवांनो आणि भगिनींनो, सध्या उबाटा मध्ये बाप एक नंबरी आणि बेटा 10 नंबरी। और यही बेटा, ये सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि इस सरकार के अंडर आज के दिन में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो कि आदित्य ठाकरे का कहना है कि महिलाएं, देश की महिलाएं इस सरकार के अंडर में सुरक्षित नहीं है, बल्कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं को पूरी फुल सेफ्टी देंगे, यानी हम महिला को इज्जत देना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं। तो ऐसे कह के एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी बैटल छिड़ गई है। अब मेरा सवाल इसी जगह को लेके है कि क्या वाकई में ये आदित्य ठाकरे महिलाओं को सम्मान देना जानते हैं? अगर यस, तो फिर दिशा सालियान की केस में आदित्य ठाकरे की फोन लोकेशन यानी मोबाइल टावर लोकेशन वगैरह दिशा सालियान की हत्या की स्पॉट में नहीं मिलता। हाँ, हालांकि उनको एक्यूज बना के उनके अगेंस्ट पे कोई FIR दाखिल किया या फिर केस करने में पता नहीं किसकी कौन सी जगह पे अटक रहा था और जिस वजह से उनके अगेंस्ट पे ऐसा कोई केस नहीं चलाया गया, पर फिर भी आदित्य ठाकरे आज के दिन में रैली में आके आराम से सीना पीट के ये सब बात कह सकते हैं, पर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं इसको लेके। देखिए, पॉलिटिकल रैली एक ऐसी जगह है, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि इस जगह पे बहुत सारे नेता लोगों की भंडा फोड़ते हुए हमने इससे पहले भी देखा है। तो शिंदे सरकार अब अगर ये कह सकते हैं तो क्यों ना लगे हाथ ये भी कह दे कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत की, जो लोग कहते हैं कि एक्स मैनेजर दिशा सालियान की डेथ केस के साथ कैसे जुड़ा हुआ था, अगर पॉलिटिकल रैली के अंदर वो फालतू की डिबेट ना करते हुए एक्चुअल रूप अगर लोगों के सामने दिखा दिया जाए तो फिर बीजेपी का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। यानी ये जो बाप बेटे मिलके जिस तरीके का बात कर रहे हैं, इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब एक ही चीज के माध्यम से दिया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस को उठा के उसके आंसर देने के लिए कहो तो ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आराम से। इतने सारे डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने बेटे को मुख्यमंत्री कम से कम बना दिया जाए, और अगर ये हम कर पाएंगे तो बेटे के खिलाफ जितने भी एलिगेशन वगैरह थे सब कुछ को हम हटा पाएंगे, और जितने सारे इससे पहले जो भी केसेस हम लोगों के ऊपर था वो सब कुछ हम डिनाई कर पाएंगे। हालांकि कोई भी वीडियो पे मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो लोग सुशांत और दिशा सालियान की मृत्यु मामले में ये जो जस्टिस की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के सामने विरोध यानी वाल बन के खड़ा है, उस जगह में जो भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होगा, किसी को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा और नहीं करता। तो इस जगह पे इस वीडियो के माध्यम से मैं बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, पर हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि बीजेपी कम से कम अपनी वोट जीतने के लिए
ये बाप बेटे की भंडा जरूर फोड़े, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये एकनाथ शिंदे जो है वो भी उस टाइम पे उद्धव सरकार के ही संगठन के अंदर थे, तो उनको पता है कि अल्टीमेटली सुशांत और दिशा सालियन के केस में क्या हुआ था। और अगर आज के दिन में भी पॉलिटिकल रैली की इस्तेमाल ना करते हुए ऐसा एक जगह का इस्तेमाल ना करके अगर बाप बेटे की इतनी बड़ी एक भांडा ना फोड़ते हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे जब उद्धव सरकार और आदित्य ठाकरे का सरकार था, उस सरकार के अंदर एकनाथ शिंदे भी था, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले के साथ जुड़ा तो नहीं था। अब मैं बहुत बार आप लोगों के सामने एक बात कहने की कोशिश किया कि क्यों सीबीआई ये जो प्रक्रिया है, जस्टिस की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या चीज है वो जो कि उनको रोक रहा है, सीबीआई को रोक के रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि किसी को ये लिंक समझ में नहीं आ रहा था, जो लिंक मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है और ना भी हो सकता है, पर होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक सरकार जब कोई काम के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसमें जो सरकार की जो आसपास के लोग हैं वो भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और गलती को यानी गलत को सपोर्ट करना भी एक गलती है, एक क्राइम है, और उसी के हिसाब से ना जाने और कितनी बड़ी क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ना है एकनाथ शिंदे जी, पर अल्टीमेटली अगर एकनाथ शिंदे जी चाहे कि हाँ मैं इस केस के साथ जुड़ा नहीं था और बाप बेटे की वंडा यहीं के यहीं फोड़ दूंगा और उन लोगों को दोबारा कभी इलेक्शन में खड़ा होने की मौका भी नहीं दूंगा, तो सबसे बढ़िया एक डिफेंडर हो सकता है सुशांत और दिशा सालियन की हत्या केस, जिसको लेके बात करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फायदा अभी के गवर्नमेंट का ही होगा। पर मौका रहते हुए भी क्या शिंदे सरकार ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या फिर ये अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना चाहेंगे किसी डर के वजह से, यह है सबसे बड़ी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। तो डेफिनेटली आपकी जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। जैसे कि शिंदे सरकार ने अनाउंस कर दिया कि बेटा 10 नंबरी और बाप 1 नंबरी, तो क्यों, क्या ऐसी कांड है जो कांड आप पॉलिटिकल रैली में नहीं कह पा रहे, कहिए, दिल खोल के कहिए, लोगों को बताइए कि अल्टीमेटली उन लोगों की ये सफेद कुर्ते के पीछे वो काला हाथ की धब्बा क्या लगा हुआ है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।